हेलो, आज के इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल 2017 टायर 2 का प्रिपरेशन स्ट्रेटजी सिलेबस लास्ट ईयर के कटअप के अनुसार इस साल के कटअप का आइडिया डिस्कस करेंगे। इससे हमें यह पता चलेगा कि आखिर हमें 2017 में टायर 2 में क्या स्कोर करना है और लास्ट में कुछ टिप्स जो आपके एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए मददगार साबित होगा डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक्स और कमेंट भी ज़रूर कीजिए। मैं आपके लिए क्वालिटी के स्टडी रिलेटेड वीडियोस लेकर आता रहूँगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बाद सिलेबस एंड प्रिपरेशन डिस्कस करेंगे, फिर बैक ईयर कटअप का हम लोग एनालिसिस करेंगे और लास्ट में टिप्स डिस्कस करेंगे। जो फाइनल मेरिट्स होता है वह टायर 1, टायर 2 और टायर 3 तीनों के स्कोर पे बेस्ड होता है, तो तीनों का स्कोर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए पैटर्न ऑफ टायर 2, जो पेपर 1 और पेपर 2 है, माने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंसन है, वह हर एक कैटेगरी ऑफ पोस्ट के लिए कंपलसरी है, तो यह हर एक को तो ये करना ही है। जो पेपर 3 है स्टैटिक्स, जो पेपर 3 है वह स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 एंड कंपाइलर के लिए है, जबकि पेपर 4 जो जनरल स्टडी फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स जिसके अंतर्गत आता है असिस्टेंट ऑडिटर ऑफिसर के लिए है। तो देखिए सभी पेपर में मैक्सिमम मार्क्स 200 है, क्वेश्चन सभी में इंग्लिश को छोड़ के सभी में क्वेश्चन है सो 100 है और ड्यूरेशन हर एक पेपर का है सो 2 आवर्स, जबकि नेगेटिव मार्किंग है और वह 1/4 है और हर एक पेपर में इंग्लिश को छोड़ के एक क्वेश्चन में 2 मार्क्स है, जबकि इंग्लिश में एक क्वेश्चन में 1 मार्क्स है। अब देखिए क्वांटिटिव एप्टीट्यूड मतलब मैथमेटिक्स का हम लोग प्रिपरेशन में है सो खास कौन सा एरिया जिस पे हम लोग ध्यान देंगे, त्रिकोणमिति, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ये 4 टॉपिक्स है जो 50% से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करता, तो ये 4 टॉपिक्स पे मेरा खास फोकस होना चाहिए। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंसन को हम लोग 4 पार्ट में बांट सकते हैं, रीडिंग कम्प्रीहेंसन, पारा जम्बल्स, ग्रामर बेस्ड के अंतर्गत ईरर स्पॉटिंग, फ्रेज रिप्लेसमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स आ सकता है, वह वोकेबलरी बेस्ड में क्लोज टेस्ट, सेनिनॉम्स, एंटीनॉम्स, ईरर स्पॉटिंग एंड फ्रेज रिप्लेसमेंट आएगा। तो देखिए कम्प्रीहेंसन है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसमें से करीबन 30 से 40 क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन सिंपल होता है और पैसेज से डायरेक्ट होता है। इसके प्रैक्टिस के लिए द हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल आप पढ़ सकते हैं जो कि अच्छा होगा आपके लिए। ग्रामर आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो 40 से 50% क्वेश्चन होता है वो ग्रामर बेस्ड होता है, अगर आपका ग्रामर अच्छा होगा तो आपके लिए इंग्लिश का पेपर बहुत आसान होने वाला है। वोकेबलरी, जिनका वोकेबलरी ज़्यादा अच्छा नहीं है वे 10 वर्ड उनको पर डे है सो एटलीस्ट से स्टार्ट करना चाहिए, न्यू वर्ड सीखना चाहिए और इसके नंबर धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए, और इसके साथ ही साथ जो न्यू वर्ड्स आप सीखेंगे उसका यूजेज आपको पता होना चाहिए, सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे और उसका मीनिंग पता होना चाहिए। इसके लिए आप लोग ऑनलाइन साइट या वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। अब देखिए एसएससी सीजीएल टायर 2 का जो है कटअप 2016 में असिस्टेंट ऑडिटर ऑफिसर के लिए जो था टायर 1 और टायर 2 का मिला के 800 मार्क्स मैक्सिमम था, तो इसमें जनरल का 536 था, एससी का 454 था, एसटी का 427 था, ओबीसी का 493.25 था, इसी तरह था, जबकि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन सीएसएस एंड असिस्टेंट इन एमई का जो कटअप जो आउट ऑफ 600 मार्क्स में है, लास्ट ईयर 449 था जनरल में, एससी का 389 था, एसटी का 370 था, ओबीसी का 424 था। तो इस बार हम इस डाटा के आधार पे हम लोग ये निष्कर्ष निकाल सकते, चूँकि इस बार टायर 1 है सो 2016 के टायर 1 के तुलना में थोड़ा सा टफ था, तो मान के चलिए कि इस बार का कटअप जनरल के लिए आपको टायर 2 में जो लाना पड़ेगा कटअप पार करने के लिए, वो जनरल के लिए टायर 2 का केवल इंडिविजुअल स्कोर बोल रहे 340+ होना चाहिए, एससी का 300+ होना चाहिए और एसटी का 290+ होना चाहिए, ओबीसी का 320+ होना चाहिए। ये लगभग आपका टारगेट होना चाहिए कि टायर 2 में हमें इतना स्कोर करना है तब आप कटअप इजीली पार कर जाएंगे।
इसी तरह जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर के लिए आपको यह कटअप दिया हुआ है। आखिर में हम लोग कुछ टिप्स डिस्कस करेंगे कि क्या हमको कैसे है सो क्या हम फॉलो करें ताकि मेरे एग्जाम में और अच्छा परफॉर्मेंस आए। तो टायर टू में है सो क्वेश्चन और टायर वन का क्वेश्चन दोनों है सो लेवल तो सेम होता है, लेवल है सो इंक्रीज्ड होता है टायर टू का, लेकिन पैटर्न सेम होता है, टाइप ऑफ क्वेश्चन सेम होता है। तो आपको है सो सबसे ज़्यादा शॉर्टकट ट्रिक्स पे है सो क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश करना चाहिए। पूरा का पूरा पेपर कोशिश करिए कि सॉल्व हो जाए, या ऐसा सॉल्व करिए कि कम से कम 180+ मार्क्स आए। लास्ट 1 मंथ में आप सिर्फ मॉक टेस्ट पे फोकस कीजिए, लास्ट 1 वीक में आपको है सो मॉक टेस्ट देना बंद कर दीजिए और सिर्फ रिवीजन ऑफ फार्मूला और शॉर्टकट ट्रिक्स पे बेस्ट रहिए ताकि आपका अंतिम समय में ये प्रॉब्लम ना आए। उसके अलावा जो जब भी आप मॉक टेस्ट देते हैं या क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो जिस ऐसे क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कीजिए जो आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग है, जो आपके लिए प्रॉब्लम कर रहा है, उसके टाइम को आप है सो रिड्यूस करने का कोशिश कीजिए। लास्ट डे बिफोर एग्ज़ाम आप पढ़ाई बिल्कुल बंद कर दीजिए, एक दिन मेंटली अपने आप को रेस्ट दीजिए। और रिवीजन है सो सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसलिए कहा जाता है रिवीजन इज़ द की टू सक्सेस। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर टायर 2 एग्ज़ाम, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।